5 मिलियन हो गए ना? हाँ हाँ, सब मेरे जनता ने कर दिए। आपका वीडियो गौर खान ने भी डाला है। हाँ, रील बनाया है। हाँ, गौर खान, थैंक यू गौर खान। और सोफिया हयात जो है लंदन से, जो पहले बॉलीवुड में थी ना, अब वो मदर सोफिया बन गई है, तो उसने भी डाला बहुत। मेरे लिए पहली बार इतना सेक्सी डांस किया सोफिया ने, हालांकि वो मदर सोफिया है, बट मेरी मेरे मेरे गाने के लिए पहली बार इतना हॉट बन के। और गौहर ने भी बहुत अच्छा डांस किया है। और खली भाई का देखा? खली भाई ने रेसलिंग में, मैंने स्टोरी में डाला था ना, खली भाई ने भी गाना डाला है उनके उसमें, वेरी नाइस। जय भानुशाली भी बोल रहे थे भी आपका गाना देखे। हाँ, थैंक यू जय, थैंक यू माई बॉलीवुड, थैंक यू माई फ्रेंड्स, थैंक यू एवरी वन जिसने मुझे सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सपोर्ट नहीं भी किया तो भी थैंक यू सो मच। सबसे ज़्यादा मेरे जनता को मैं दिल से लगाती हूँ कि उन्होंने 5 मिलियन कर दिए मेरा गाना। ये देखो 5 मिलियन हो गया। मुझे घुमा के ला, तेरी बाइक पे छोटू घुमा के ला मुझे। हाँ, मुझे बाइक चलाना सिखाना, मुझे तो साइकिल भी नहीं आता चलाना। अरे यार, बीइंग ह्यूमन की साइकिल है मेरे पास। वो क्या है वो पीला पीला? कौन है? तो नया निकला है ये? राहुल वैद्य है और ये एली है। अली और राहुल वैद्य, ये नया हेडफोन है मेरा। वो दोनों आपके कार में रहते? हाँ, अरे मैं अभी स्टार बन रही हूँ, मेरा गाना 5 मिलियन हो गया है। 5 मिलियन? वाओ, कंग्रेचुलेशन। कंग्रेचुलेशन? ये कंग्रेचुलेशन क्या है? कंग्रेचुलेशन, कंगारू, ये कंगारू है ना? कंग्रेचुलेशन बोला। नेपाल की लैंग्वेज है। कंग्रेचुलेशन या कंग्रेचुलेशन, मेरा गाना 5 मिलियन हो गया है। वाओ, जनता ने किया बाबा। बोलता है ना, जब सैड नहीं होने का, जब जिसका किसी का कोई भी ना हो ना, तो उसकी जनता और ऊपर वाला होता है। आप क्या बोल रहे थे? जो भी है असली है। जो भी है भाई, मेरा असली है, असली एकदम। मेरी जनता ने मुझे फुल सपोर्ट किया है, उनका एक 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 लाइक्स लगा है। तो राखी जी, बात यह है कि जो 100 मिलियन होता है वो आप क्या कहना चाहते हो, नकली है? अपने वो पैसा खर्च करते हैं ना। अच्छा, मिलियन के लिए? आप भी थोड़ा खर्चा करो ना, आपका भी हो जाएगा 50 मिलियन। नहीं, मेरे को नहीं चाहिए 50 मिलियन। मेरा ऑर्गेनिक है, थोड़ा है, बेहतर है। जितना चद्दर, क्या जितने पैर हो उतना ही चद्दर फैलाओ। जितनी चादर उतना ही फैलाओ। हाँ, जितना चद्दर हो उतना ही पैर फैलाओ। मैं 5 मिलियन में बहुत खुश हूँ, जनता ही मेरा गाना हिट कर रही। मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं झूठा व्यूअर्स यू नो लाए भाई, मिलियंस दिखाए। बेचारे जनता के पास टाइम नहीं होता, पता है? इतना कोरोना काल में बेचारे काम करने जाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे कि अपने लिए पैसे कमाएंगे, बेचारे क्या क्या करेंगे। इतना मिलियंस एक दिन में नहीं आता है। मेरा 5 मिलियन आप देखो इतना वायरल हो रहा है, 5 मिलियन लगा, 5 मिलियन आया एक हफ्ते में, 7-8 दिन में। लेकिन असली है। हाँ, असली आया भाई, असली आया। मेरा असली आया है, मेरे यूट्यूब पे असली व्यूअर्स आया है। जो 3 दिन में 100 मिलियन हो जाते हैं उसका क्या? अरे आज क्यों रे? अरे 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 कंट्रोल। पैसा फेंक तमाशा देख, पैसा फेंक तमाशा देख। उतना ठीक है, जिसके पास पैसा है वो यूज करे, अपने पास नहीं है भाई। मुझे तो मेरा पूरा परिवार चलाना पड़ता है ना, मेरी मॉम है, मेरी सिस्टर, विडो, भाई, उनके बच्चे, सब लोग को चलाना पड़ता है ना भाई। मैं उतना नहीं कर सकती ना, मैं अपने वीडियो में इतना मिलियन डाल के कौन सा मुझे वो कौन सा अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिलने वाला है? इतना पैसा डाल के मिलियन में ऑस्कर अवार्ड थोड़ी मिलने वाला है। जो पब्लिक चलाती है ना वही असली वीडियो होता है, जो पब्लिक को पसंद आता है ना वही असली वीडियो होता है। आज की जो आम इंसान, जो आज का प्रधानमंत्री पब्लिक है, आज के गवर्नमेंट पब्लिक है, सब कुछ पब्लिक है बॉस। जो पब्लिक बोलेगी वही होगा। पब्लिक तो अच्छे अच्छे नेताओं को ऊपर चढ़ाती भी है और धाड़ करके नीचे उतार भी देती है। पब्लिक स्टार बनाती भी है और पब्लिक स्टार नीचे भी लाती है। हाँ, पब्लिक जिंदाबाद। पब्लिक है तो तबलीग है, तबलीग है, पब्लिक है तो तबलीग है। हो गया राखी जी, तो मुझे बाइक में घुमा। हाँ, चलो।
ये कौन सी खुशी में शूट कर रहे हैं मेरा? अरे बिग बॉस देखा था। गाना नहीं देखा? गाना नहीं देखा मेरा? देखा ना ड्रीम में एंट्री। तो तुम्हारी ड्रीम में किसकी एंट्री होती है? किसकी? आई सो स्वीट, कितना शर्मा रहा है बेचारा। हाँ मैं तो अभी बहुत एक्सरसाइज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारी गुड न्यूज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। क्या ना कॉन्ट्रैक्ट होता है तो बोल नहीं सकते। अच्छा और आ रहा है यार जासमीन अली गोवा गए क्या? आज ही गए। मुझे नहीं ले गए जासमीन अली, तुम लोग गोवा गए मुझे नहीं ले गए? गलत है। नहीं जैस्मिन जी का बर्थडे आ रहा है ना तो वहाँ पे सेलिब्रेट 28 को है। हाँ वहाँ पे सेलिब्रेट करेंगे धूमधाम से। हाँ अगले महीने मेरे भी शादी की सालगिरह है, मैं कहाँ जाऊँ? पति तो है नहीं। हाँ सालगिरह मतलब समझा नहीं। सालगिरह शादी की सालगिरह? एक साल नहीं दो साल हो गया मेरी शादी को पागल। हाँ मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी सालगिरह को पति आ जाए कहीं से भी। पति यार आ जाए यार, किसी की जिंदगी ऐसी देखी है कभी शादीशुदा होके भी पति गायब है? इस दुनिया में किसका पति गायब है मेरे अलावा? मेरा ही पति गायब है क्या? मेरा ही पति गायब है? ये कौन है? ये तो मेरा ड्राइवर है। गुस्से में आ रहा मतलब लगता है। गुस्से में फोड़ देगा क्या मेरा सर? तो क्या मेरा सर फोड़ने आया है? जा तू ऊपर रख। बापरे मैं आप लोगों को एक न्यूज़ देना चाहती हूँ, वेरी बैड न्यूज़ है। तो सब लोग अपने अपनी फार्म हाउस ले लो, अपने अपनी खेती उगा लो क्योंकि एक ऐसा समय आने वाला है 2030 में पूरा ये जो अर्थ है वो वॉश आउट होने वाला है। छोटू मेरी बात को सीरियस से तो हंस मत छोटू। मैं नहीं हंस रहा, कसम से नहीं हंस रहा। 2030 में वर्ल्ड वॉश आउट हो रहा है, ख़त्म हो रहा है। और मैं सबको एक ही बात कहती हूँ, 666 से बच के रहना। 666 जिस तरह अभी वैक्सीन कैसे लागू हो गया, ये 666 से बच कर रहना। शैतान का आंकड़ा है ये, शैतान का आंकड़ा है। भूत प्रेत हम लोग से दूर रहते, ग्लेशियर पिघल रहे सब। अच्छा अभी आधार कार्ड कैसे लागू हो गया? अच्छा अच्छा वैक्सीन कैसे लागू हो गया कंपलसरी, यू कांट गो ट्रैवल। इसीलिए 666 भी आने वाला है अगले दिनों में, इससे बच के रहना। 666 है शैतान का आंकड़ा 666। एक ऐसा होने वाला है कि अगर जिस दिन आप भूखे हो अगर आप 6 का दिखा दोगे तो ही आपको राशन मिलेगा। बहुत सारी चीजें और वो शैतान का आंकड़ा, और जिसने जिसके शरीर पर 6 का आंकड़ा लगाया गया उसको स्वर्ग नहीं मिलेगा, ये गॉड ने लिखा है। गॉड ने लिखा है ये, मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। जो मसीह भाई बहन है वो लोग भी संभल के रहे, जो गॉड को मानते हैं वो लोग भी संभल के रहे। 666 का आंकड़ा तुमने सुना ही नहीं है? क्या क्या आ रही है हमारे देश में मुझे तो समझ में नहीं। सबसे गंदी बीमारी है 666 के आंकड़े की, ये शैतान लाने वाला सबको लागू करने वाला, क्योंकि शैतान ने कसम खाई कि किसी को भी स्वर्ग में जाने नहीं देगा। वो उसने कसम खा रखी किसी को भी स्वर्ग में नहीं जाने देगा, मैं भूखे मर जाऊंगी लेकिन 666 का ये कौन है? मैं इसलिए अपना तो मैं खुद ही खेत बनाऊंगी, खुद ही फार्म हाउस लूंगी, अपने आलू प्याज मटर टमाटर मिर्ची सब खुद ही उगवाऊंगी। 666 से बच के रहो, 666 से। कभी 666 का टैटू भी मत करना या कभी भी उसका चिप भी मत लगवाना। ये मैं आज बोल रही हूँ ना, आज से 5 साल बाद तुम लोगों को मेरी ये बातें याद आएगी। करोना आया पता चला क्या? हाँ महामारी बोलते हैं, और ये 1000 साल पहले बुकों में लिखा है, आसमानी किताब सब बाइबल में लिखा है, कुरान पाक में लिखा है, सब में लिखा है। तू कल आया था ना, तू रोज लेता है मेरी फोटो। अरे वो दर्शन रावल है ना सिंगर? हाँ उनका ड्राइवर है। अच्छा अच्छा तो मैं आपको सच बोलती हूँ दोस्तों, 5 साल में बहुत सारी चीजें बदलने वाली है ना, तो उसमें देखना। ये तो मेरे में देख रहा है। ये ड्राइवर है? ए हेलो राम, इसको देख क्या स्टाइलिश रहता है। तू भी थोड़ा स्टाइलिश रहे। राम स्टाइलिश ही नहीं रहता। हाँ ओके दोस्तों, ओके 666 से बच कर रहना। आप लोग अभी से दिमाग में डाल दो,
क्योंकि मरने के बाद हम लोगों को स्वर्ग में जाना है, हेवन में जाना है। गॉड ने अगर देखा कि हाथ पे ट्रिपल सिक्स लिखा है, इधर ट्रिपल सिक्स लिखा है, या तुमने ट्रिपल सिक्स का कोई भी चिप डाला है, आप लोग स्वर्ग में नहीं जाओगे। आज से 5 साल के बाद आप लोगों को मेरी बात याद आएगी, और इसको अभी वीडियो को लॉक मार के रख लो। मैं कहाँ जाऊँ अभी? ये मेरा 5 मिलियन हो गया गाना। ये बाय बाय राखी जी, बाय। पीछे तो देखो। अरे ये राखी जी जाओ।